इंडियन गार्ड अपने नन्हे सम्राटों से निवेदन करना चाहता है कि बड़ों की निगरानी में ही पटाखा फोड़ें। ये सूचना जनहित में जारी है। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम पहुंची है रणधीर प्रसाद वर्मा स्टेडियम, जिसे हम कॉमनली गोल्फ ग्राउंड के नाम से जानते हैं। मैं आज आपको धनतेरस की खरीदारी करवा चुकी हूँ, मगर ये बहुत ही खास है क्योंकि अपने गोल्फ ग्राउंड में लगा है पटाखा बाजार। त्यौहार को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है क्योंकि त्यौहार के रंग में भंग ना पड़े। घनी आबादी के क्षेत्र में लोग पटाखे न बेचें, इसकी भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, त्यौहार में तरह तरह की घटनाएं आम बात है, क्योंकि कुछ वर्ग सोसाइटी के जोश में होश खोने वाले होते हैं। प्रशासन इस बात को मद्देनजर रखते हुए अभी से अलर्ट मोड में है। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड और तेतुल तल्ला में कुछ स्टॉल पर पटाखा बाजार का निर्माण हुआ है, जहां पर पटाखे बेचे जाएंगे। घनी आबादी में पटाखे को बेचने पर सख्त मनाही है। एसएसपी संजीव कुमार ने कहा है कि वो इस बार खास करके नशेड़ियों और जुएड़ियों पर भी सख्त शिकंजा कसने वाले हैं। त्यौहार साथ मिलकर मनाने के लिए होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस बात को नहीं भूल सकते कि इसी में कई तरह की घटनाएं भी सामने आती है। जिस तरह मेले में सोने के कंगन, झुमके और तरह तरह की छिनतई जैसे मामले आम हैं, उसी तरह दीपोत्सव के दौरान पटाखों में आग लगना एक स्वाभाविक बात हो जाती है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं त्यौहार के गर्मा गर्मी में हम भूल जाते हैं कि हमें किस हद तक सावधानी बरतनी चाहिए। लाइव इंडियन गार्ड अपने नन्हे सम्राटों से निवेदन करना चाहता है कि बड़ों की निगरानी में ही पटाखा फोड़ें। ये सूचना जनहित में जारी है। आज कोयलांचल में आप साफ साफ देख सकते हैं कि प्रशासन किस तरह से अलर्ट है। सुरक्षा शायद त्यौहार से भी बड़ी है और हम इन सभी मानकों पर खरे उतर रहे हैं। गोल्फ ग्राउंड और तेतुल तल्ला में ही इसकी परमिशन भी प्रशासन ने दी है। मैं आज जानूंगी व्यापारियों से कि क्या है उनकी इस पर राय। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। आप अपने पटाखे की खासियत बताइए। यहाँ सब मुर्गा छाप है जी, और जो भी सब ब्रांड है अदर। हाँ सर, ये जो प्रशासन ने जो ऑर्डर जारी किया उस पर आप क्या सोचते हैं? बहुत बढ़िया प्रशासन, जैसे भीड़ भाड़ इलाके में नहीं। हाँ। बताए हैं और सारे जो ग्राउंड है वहीं दिए हुए हैं। अचानक अगर पटाखे की दुकान में आग लग जाती है, पहला कदम क्या होगा? हमारे पास हर सुविधा उपलब्ध है। बालू है, पानी है, गैस है। तो ये हर पटाखे वाले के पास है? जी जी बिल्कुल। तो ये स्टॉल आपने कब लगाया? आज सुबह में। आज सुबह लगाए तो कल से आदेश जारी हुआ, ये आपको पता होगा। जी, जी, जी। तो ये आदेश की कॉपी आप सभी लोगों को दी गई है। जी, जी। तो जो मैं आग्रह कर रही थी कि नन्हे सम्राट आराम से पटाखा छोड़े, तो मेरे पास है दो छोटे छोटे नन्हे सम्राट। मैं पहले उनसे नाम पूछूंगी और जानूंगी उनकी दिवाली की पटाखों को लेकर क्या प्लानिंग है। तुम्हारा नाम क्या है? सौरव। और तुम्हारा? बाबू। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पटाखा लेने आए हो? तो कौन कौन से पटाखे हैं जो जलाते हो? पॉप पॉप और फुलझड़ी। अरे वाह। तो अच्छा, एक बात बताना, मान लो कि तुम अकेले छुपकर पटाखे जलाते हो या मम्मी को पास में रखते हो? मम्मी साथ रहती है या खुद से ही पटाखे जला लेते हो? भैया के साथ रहते हो ना, तो कभी ऐसा छुप कर के पटाखे जलाने वाला कुछ मन में आइडिया आता है क्या? नहीं, नहीं आता है।
तो पटाखे से डर लगा है कभी? हाँ डर लगता है। तो कभी कुछ ऐसा देखा है क्या किसी फ्रेंड के साथ कि वो पटाखा जला रहे और उनका हाथ जल गया हो? ऐसा हुआ है? वो उनके साथ हुआ है। अच्छा तुम तो इसके बड़े भाई हो, तो तुम्हें डर लगता है? हाँ थोड़ा लगता है डर। तो एक बात बताओ, मान लो कि अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारा भाई तुमसे ज़्यादा पटाखे को चुरा लिया है और वो अलग से जलाने की कुछ प्लानिंग कर रहा है, तब तुम कैसे रिएक्ट करोगे? रिएक्ट करने का कोई बात ही नहीं है, उसको बहुत डर लगता है, वो नहीं जलाता। वो अकेले नहीं जलाता? वो नहीं जलाता। तो तुम लोग मम्मी पापा को साथ में रखते हो? हाँ मम्मी पापा को साथ में रखते हैं। अच्छा तुम मेरे जो ऑडियंस है जो हम लोगों को सुन रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे छोटे बच्चों को? लाइक बम जलाना इज वेस्ट ऑफ मनी जलाना। इतना नहीं जलाना चाहिए जितना कम से कम हो सके। एनवायरनमेंट को भी हार्म होता है एंड बहुत कुछ हार्म होता है। तो क्या तुमने क्या बोला, पॉल्यूशन होता है? मान लो मैं पटाखा जलाऊंगी तो पॉल्यूशन हो जाएगा? और क्या क्या होता है बाबू अगर मैं पटाखा जला लूँ तो? हार्मफुल भी है। हार्मफुल है? नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन भी होता है पॉल्यूशन, और हार्म करता है कि जैसे कि एनिमल्स के लिए एनिमल्स। अच्छा एक 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 क्वेश्चन का जवाब दे दोगे? मान लो तुम यहाँ पे पास में हो और ये है पटाखा दुकान, अगर गलती से थोड़ा सा इधर पर आग लग जाता है तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? मिट्टी डालोगे सबसे पहले या पानी डालना? पानी भी डाल देंगे। और क्या क्या डाल सकते हैं उसमें? और कुछ आइडिया आ रहा है कि क्या क्या डाले? नहीं और कुछ नहीं। हम बात कर रहे हैं सुरक्षा की। प्रशासन जैसा कि मैंने बताया अलर्ट है, किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना दीपोत्सव में ना हो कि त्यौहार में रंग में भंग पड़ जाए। आज मैं व्यापारियों की राय जान रही हूँ गोल्फ ग्राउंड में, जहाँ पटाखा बाजार का निर्माण हुआ है। तरह तरह के ब्रांडेड पटाखे मिल रहे हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम भीमदेव है। सर कितने वर्षों से धनबाद में आपका पटाखा का कारोबार? ये लगभग लगातार 12 वर्ष हो गया है, 12 वर्ष मैं कर रहा हूँ। सर ये जो प्रशासन ने आदेश दिया है उस पर क्या सोचते हैं? प्रशासन ने जिस नियम अनुसार से हम लोग को गाइडलाइन के अनुसार मैंने दुकान लगाने के लिए आदेश दिया है, उसी को फॉलो करते हुए हम लोग कर रहे हैं। एक दूसरे के दुकान से दूरी बनाए हुए हैं, प्लस जो सेफ्टी के पर्पज़ से फायर ब्रिगेड जो सिलेंडर लगाते हैं वो लगाए हुए हैं, बालू भी रखे हुए हैं, पानी का भी व्यवस्था रखे हुए हैं। अगर किसी तरह संयोग से दुर्घटना घटती तो उसको रोकने का काम किया जाएगा। सर जैसे कि ये जो कारोबार होता है ये बहुत संवेदनशील कारोबार है, और कई लोग मानते हैं, मतलब बेसिक सी बात कर रही हूँ, कि पटाखे में अपने पैसे को, मतलब कि पैसा जलाने के मुताबिक, वो पटाखा को पटाखा जलाना नहीं, वो कहते हैं कि पैसे को जला देना, ऐसा मानते हैं। देखिए पर आप क्या सोचते हैं? देखिए ये पटाखा हर कुछ वस्तु जो है कोई ना कोई बनाता है, उसमें छोटे स्तर के ही लोग ज़्यादातर जुड़े हुए रहते हैं, चाहे वो दीप की बात हो या पटाखे की बात हो या मिट्टी के खिलौने की बात हो। तो पटाखे में से भी कोई ना कोई गरीब परिवार का एक घर परिवार चलता है जी। तो खुशियाँ हर चीज़ मिला जुला के यही है कि कोई ज़्यादा फोड़ता है, कोई थोड़ा लिमिट मात्रा में फोड़ता है। तो इसी के साथ मैंने थोड़ा बहुत फोड़ के अपना खुशियाँ बांटने का प्रयास करता हूँ। स्टॉल में सबसे खास पटाखा कौन सा है इस बार के लिए? यही है, छोटा मोटा बम है और आपका फुलझड़ी है, लगभग वही है जो कोक ब्रांड का ब्रांडेड में जो मुझे दिख रहा है सुपर पावर 5 की। ये क्या है सर? ये चटाई वाली है। चटाई है तो आलिया भट्ट के साथ। आज हम सभी व्यापारियों की राय ले रहे हैं कि किस तरह प्रशासन के आदेश को वो सोचते हैं। पटाखा एक संवेदनशील व्यापार है जहां जान माल दोनों का खतरा बना रहता है। मैं सर से जानना चाहूंगी कि उनकी इस पर क्या राय है। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पंकज कुमार प्रसाद है, पंकज प्रसाद पुलिस लाइन का। ठीक है मैं, ठीक है सर। हम लोग पटाखे कब फोड़ते हैं जी? कब फोड़ते पटाखे हम लोग? सर ये आप बताइए। दिवाली में जी। दिवाली हम लोग क्यों मनाते हैं ये भी आप ही बताइए। क्यों मनाते बताओ ना आप, तो मैं तो पब्लिक से ही पूछूंगा ना, ऑब्वियस ही बात है। हाँ, दिवाली हम लोग मनाते क्यों है? राम भगवान जब आए थे अपना 14 साल का वनवास काट के, तब तो दिस इज मतलब ये हमारा एक सौभाग्य है ना कि हम लोग उनको पटाखे से सेलिब्रेट कर सकते हैं जी। ठीक है, एक दिन दो दिन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे नॉइस पोल्यूशन एयर पोल्यूशन ये सब इसमें इंक्लूडेड है।
तो ये गलत बात है, ठीक है। ये हम लोग सिर्फ दिवाली के दिन ही कर सकते ऐसा, क्योंकि राम भगवान वनवास काट के आए थे, तो इसको हमको सेलिब्रेट करते, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, मैं गर्व से हिंदू, आई एम प्राउड टू बी हिंदू, ओके। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत खुशी की चीज़ है, इसके लिए मैं फटाके बहुत बहुत कुछ मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, मैं फटाके फोड़ रहा हूँ, और मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आप इसको एक्सप्लोर करो और इसको फोड़ो, और आप बताओ कि राम भगवान वनवास काट के आए थे, दिस इज सेलिब्रेशन, ये सेलिब्रेशन का दिन है हमारा, दिवाली है, तो मैं ऐसी नहीं जानना था कि इसको ऐसी नहीं जाने दे। ठीक है ठीक है सर, जैसे कि अन्य जो मजहब वाले हैं, अगर वो आपकी दुकान से पटाखा खरीदते हैं, उन्हें छूट है? बिल्कुल, इंसानियत, इंसानियत है, राइट है, सबको राइट है, क्योंकि इंसान पहले उसके बाद में, मेरे हिसाब से इंसान पहले हम लोग हैं, ठीक है। दो हाथ मेरे भी है, दो हाथ उसके भी है, सबके, सबको राइट है, इक्वली राइट है। ट्रेन पे बैठता कोई भी तो मज़हब पूछ के नहीं बैठता, टॉयलेट में कोई भी जाता तो मज़हब पूछ के नहीं जाता, तो दूसरी ऑब्वियसली बात है, कोई बहुत बड़ी बात इसको इशू बना देता है, जबकि वो इशू होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। क्या अंकल? सर जैसे आपके पास आज सबसे बेस्ट पटाखा कौन सा है? सभी है बेस्ट, सभी है बेस्ट, और यहाँ सबकी दुकान बेस्ट है, और सबके पटाखे बेस्ट है, क्यों? क्योंकि हम लोग गोप ग्राउंड में, गोप ग्राउंड बेस्ट है, सब पटाखे बेस्ट है, एक से एक पटाखे बेस्ट है, एक नंबर है। डोरेमोन है, ये धोनी जो हमारे इंडिया का जो सबसे बेहतरीन प्लेयर है, उसका भी पटाखा है, तो मैं धोनी को भी इंक्लूड करूँगा। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. अन्य खबरों के लिए बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।